दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे पांच ऐसी खास और सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में जिनके डेली अभ्यास से आपका दिमाग कई गुना तेज बन जाएगा और साथ ही साथ आपकी फोकस करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी। और ये खास ब्रेन एक्सरसाइजेस न केवल स्टूडेंट बल्कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर वन, स्विच हैंड्स ड्यूरिंग मॉर्निंग एक्टिविटीज। दोस्तों, दुनिया में लगभग 90% लोग राइट हैंडेड हैं और लगभग 9% लेफ्ट हैंडेड, और इस दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं जो दोनों हाथों से बराबर काम ले सकते हैं। और यदि आप उन 1% में नहीं आते तो आपको हर सुबह अपने कुछ काम उस हाथ से करने हैं जिसे आप ज्यादा यूज नहीं करते या जिसे आप अपना उल्टा हाथ भी कहते हैं। यानी कि यदि आप राइट हैंडेड हैं तो हर सुबह ब्रश करना, नाश्ता करना, मोबाइल यूज करना, कंप्यूटर माउस पकड़ना जैसे कुछ काम हर सुबह लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें। और यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये कोशिश राइट हैंड से करें। ऐसा करके आप हर सुबह अपने ब्रेन को एक चैलेंज देंगे जिससे आपका फोकस और बैलेंस बेहतर होगा, और ऐसा करने से ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत बनेंगे और नए ब्रेन सेल्स पैदा होंगे जिससे आपका दिमाग तेज बनेगा। ब्रेन के लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में एक्सरसाइज कर आप मसल्स बनाते हैं। शुरुआत में ये काफी मुश्किल लग सकता है और ये भी हो सकता है कि उल्टे हाथ से ब्रश करने के दौरान आपका हाथ कम और आपका सर ज्यादा हिले, लेकिन धीरे धीरे ये आसान लगने लगेगा। नंबर टू, डेली फॉर ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। दोस्तों, इस टेक्निक में आपको हर दिन मिलने वाले लोगों में से किसी एक व्यक्ति की कोई सी भी चार चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है जिसे बाद में घर पर रिकॉल करना है। याद करना है कि आपने कौन सी चार चीजें नोटिस की थी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति की कोई सी भी चार चीजें ऑब्जर्व करें, जैसे उसके गॉगल्स, उसका कैमरा, उसका हेयर स्टाइल और उसकी टी शर्ट का कलर जैसी छोटी छोटी डिटेल्स, और बाद में घर पर उसे रिकॉल करें और देखें क्या आपको वो सब याद है। दोस्तों, बाद में आप चार से ज्यादा डिटेल्स याद करने की कोशिश करें और लोगों की संख्या 1 से 2 और 2 से 3 करते हुए बढ़ाते जाएं, और बाद में लोगों की जगह आप दूसरी चीजों को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम हर दिन अपने आसपास बहुत कुछ देखते हुए भी ज्यादातर चीजों को दिमाग में रजिस्टर नहीं करते। इस तरह डेली फॉर ऑब्जर्वेशन गेम से एक तो आपकी मेमोरी शार्प होगी और दूसरा आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे और सोशली ज्यादा अवेयर भी रहेंगे। नंबर थ्री, ईट विद द चॉपस्टिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी चौमिन, राइस या मोमोस खाने के लिए चॉपस्टिक्स से कोशिश की है? यदि नहीं की तो ट्राई करें, क्योंकि चॉपस्टिक्स से खाना ब्रेन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। चॉपस्टिक्स से खाना खाने से नर्व सेल की न्यू ब्रांचेस, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, ब्रेन में ग्रो होती हैं, और ये डेंड्राइट्स ब्रेन के सेल्स के बीच कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करती हैं, और साथ ही साथ चॉपस्टिक्स से खाना खाते वक्त ब्रेन अलर्ट और खाने पे ज्यादा फोकस रहता है, जिससे आपके डाइजेशन में भी बहुत सुधार होता है। नंबर फोर, क्लेंचिंग योर फिस्ट। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव टेक्निक है। 2013 में मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि यदि 90 सेकंड तक आप अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो उससे आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मेमोरी अच्छी बनती है, और यदि आप लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाते हैं तो उससे आपको याद किया हुआ रिकॉल करने में मदद मिलती है। इस एक्सपेरिमेंट में 50 लोगों को नए शब्दों की एक लंबी सी लिस्ट याद करने के लिए दी गई, और रिजल्ट में ये पाया गया कि जिन लोगों को मुट्ठी बंद करके याद करने और रिकॉल करने के लिए कहा गया, उनके परिणाम उन लोगों से ज्यादा बेहतर थे जिन लोगों ने बिना मुट्ठी बंद किए उस लिस्ट को पढ़ा और याद करने की कोशिश की। शोधकर्ताओं का मानना है कि मुट्ठी बनाने से ब्रेन के कुछ विशेष एरिया जो मेमोरी को प्रोसेस करते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे याद करने और रिकॉल करने दोनों में बहुत ही मदद मिलती है। नंबर फाइव, एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। दोस्तों, हेल्दी ब्रेन के लिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन रनिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, एरोबिक्स या सिंपल 20 से 30 मिनट वॉक बहुत ही जरूरी है।
इन सभी एक्सरसाइजेस के दौरान आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस कहे जाने वाला हिस्सा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और ये हिप्पोकैम्पस ब्रेन में नई जानकारी को स्टोर करने का काम करता है। ये इस ब्रेन की इनर हार्ड ड्राइव की तरह है, जिसकी क्षमता आप एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन हार्ट रेट बढ़ाने वाली कोई एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी दिमाग को तेज और बेहतर बनाने के लिए वो 5 एक्सरसाइजेस, जिन्हें यदि आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो आपका दिमाग कई गुना तेज हो जाएगा और फोकस भी बढ़ेगा। आपको इनमें से कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना यार। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए, मेरे ये वीडियो आपके अपनों तक फैलाते रहिए और जीवीजी मोटिवेशन पर हर रोज आते रहिए।